हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि 4 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके सेकंड पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आज की वीडियो में हम 26 क्वेश्चन से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अनुसूची का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, यानी कि जो ये शेड्यूल है इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो विधि के रूप में, तकनीकी के रूप में, उपकरण के रूप में या प्रश्नावली के रूप में? तो हमारा आंसर है उपकरण, यानी कि टूल्स के रूप में हम शेड्यूल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्नों की एक सूची जो उत्तरदाता को सौंपी जाती है, जो प्रश्नों को पढ़ता है और उत्तरों को स्वयं भरता है, वह क्या है? ऑप्शन में बताना है कि वह क्या है। जो प्रश्नों की सूची होती है और जो उत्तरदाता को भेजी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रश्नावली कहते हैं। क्वेश्चनियर कहते हैं उसको हम प्रश्नावली कहते हैं, जो कि ये डाक के द्वारा उत्तरदाताओं के पास प्रेषित की जाती है और वो खुद उसमें आंसर को भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित को बताएं, क्या आप अखबार या पत्रिकाएं खरीदते हैं? यह किस प्रकार का प्रश्न है? हमें बताना है कि ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आप अखबार या पत्रिकाएं खरीदते हैं। तो दुनाली प्रश्न है, या अनेकार्थ प्रश्न है, या खुला प्रश्न है, या संवेदनशील प्रश्न है? तो किस प्रकार का ये प्रश्न है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनेकार्थक प्रश्न, मतलब एक से ज़्यादा अर्थ जिसके निकल रहे हों, तो ये ऐसा प्रश्न है कि क्या आप अखबार या पत्रिकाएं खरीदते हैं, तो ये कई अर्थ है इसका, इस प्रश्न का, तो यह क्या है? अनेकार्थक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29, अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में प्रतिभागी यानी कि सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? जो अमेरिकी समाज है उसके सड़क के किनारों का अध्ययन में सहभागी अवलोकन किसने किया है, सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग? तो हमारा आंसर है W.F. White। किसने किया है? W.F. White ने किया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में M.N. श्रीनिवास ने अपनी अवधारणा संस्कृतिकरण को प्रथमतः प्रस्तुत किया? तो इनकी कौन सी पुस्तक है जिसमें इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को सबसे पहले दिया? तो हमारा आंसर है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में इन्होंने संस्कृतिकरण को प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 31, मैच करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, तो M.N. श्रीनिवास यानी कि ए का थर्ड रामपुरा गांव, SC दुबे बी का फोर्थ समीर पेट का अध्ययन किया इन्होंने, आंध्रे वेत्ते सी का फर्स्ट श्रीपुरम गांव, और D.N. मजुमदार डी का सेकंड मोहाना गांव। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 32, M.N. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की निम्नलिखित विशेषताओं को निर्दिष्ट किया है। प्रभु जाति की इन्होंने कौन कौन सी विशेषता बताई है, कूट के माध्यम से हमको देखना है।
तो एक जाति हावी हो जाती है जब वह आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। और ऑप्शन नंबर सेकेंड, जाति संस्करण में उच्च स्थान, सी है संख्यात्मक रूप में बड़ी, डी है आय का शहरी स्रोत। तो कौन सा सही है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि ए बी सी डी चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एस सी दुबे की कृति इंडिया चेंजिंग विलेजेज उनके संबोध में खाली स्थान को भरना है कि तरफ बदलाव को दर्शाता है, किस तरफ की बदलाव को दर्शाता है? एस सी दुबे की पुस्तक है इंडिया चेंजिंग विलेज, तो क्या दर्शाता है वो? संरचना से परिवर्तन, प्रकार से संरचना, संरचना से प्रकार, या संरचना से व्यवस्था? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संरचना से परिवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 34, इंडियन विलेज 1955 पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन विलेज 1955 पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस सी दुबे ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से आंद्रे वेत्ते की कृति नहीं है, इनकी कौन सी रचना नहीं है? तो मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस, कास्ट क्लास एंड पावर, स्टडीज इन एगेरियन सोशल स्ट्रक्चर, या कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कौन सी नहीं है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कास्ट एंड रेस इन इंडिया इनकी नहीं है। ये किसकी पुस्तक है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किसकी पुस्तक है। आसान सी पुस्तक है, इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज द रिस्पॉन्सेज ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड के रचयिता कौन हैं? ये पुस्तक किसकी है? डेवलपमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज द रिस्पॉन्सेज ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विक्टर एस डिसूजा की पुस्तक है ये। क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा कि शहरीकरण किसी भी सभ्यता के सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ये किसने कहा है? शहरीकरण किसी भी सभ्यता के सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बी एस डिसूजा। किसने कहा है? तो बी एस डिसूजा ने कहा है। नगरवाद एक जीने का तरीका है, किसने यह अवधारणा विकसित की है? अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, ये किसने कहा है? बहुत आसान सी परिभाषा है, जीने का तरीका है या विधि है, किसने कहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लुई बिर्थ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 39, नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की जांच के लिए फ्रिंज विलेज समीरपुर का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की जांच के लिए फ्रिंज विलेज समीरपुर का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है?
तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एमएससी राव ने किया है। क्वेश्चन नंबर 40, मीरा कौशाम्बी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? मीरा कौशाम्बी की कौन सी पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बॉम्बे इन ट्रांजिशन, ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ कॉलोनियल सिटी। ये पुस्तक किसकी है? मीरा कौशाम्बी की। क्वेश्चन नंबर 41, विक्टर एस डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जाति, वर्ग और धर्म का विश्लेषण किया है, तो किस शहर का इन्होंने अध्ययन किया था जिसमें कि इन्होंने रिश्तेदारी, जाति, वर्ग और धर्म का विश्लेषण किया है? तो चंडीगढ़ का, मैसूर का, जयपुर शहर का या दिल्ली शहर का? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंडीगढ़ शहर का इन्होंने अध्ययन किया था और उसमें इन्होंने रिश्तेदारी, जाति, वर्ग और धर्म का विश्लेषण किया। क्वेश्चन नंबर 42, मीरा कौशाम्बी ने किन तीन औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों के शहरी आकृति विज्ञान का अध्ययन किया है? मीरा कौशाम्बी ने किन तीन औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों के शहरी आकृति विज्ञान का अध्ययन किया है? कौन से वो तीन शहर हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मद्रास है, मुंबई है एवं कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है? आदिवासी अध्ययन का किसने अध्ययन नहीं किया है? आदिवासी अध्ययन से कौन नहीं जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, एडवर्ड टायलर। ये जो है भारत के आदिवासी के अध्ययन से नहीं जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जनजातीय लोग कथन और कारण है। कथन है कि जनजातीय लोग बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं। कारण दिया है कि अन्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाज विलग हैं। तो दो कथन दिए गए हैं, दोनों बताना है कि दोनों सही है या एक सही है या दोनों गलत हैं। तो जनजातीय लोग बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं, तो ये भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है कि अन्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाज विलग हैं। तो कथन जो है दोनों सही है। हमारा कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा है जिसमें से 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे? 14 क्षेत्र ऐसे थे कि जो कि केवल पूर्वी भारत के ही थे। तो कौन थे जिन्होंने कि आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा है? 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा है जिसमें से 14 आदिवासी जो थे कि वो पूर्व भारत के ही थे। तो कौन से थे वो? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि एस एम दुबे थे। क्वेश्चन नंबर 46, मैच करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से।
सॉरी, ये जो है क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। के एस सिंह ने जो है कि 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा है, जिसमें से 14 जो है अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही थे। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, मैच करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो नागालैंड नागा यानी कि ए का फोर्थ, और राजस्थान यानी कि गर्सिया बी का थर्ड, और सी का असम जो है वो असम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो सी का सेकंड गारो, और तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, मैच करना है इसमें भी सूची वन को सूची सेकंड से। तो आर्किक काकेसाइड प्रजाति ये कहाँ पाई जाती है, इनको क्या कहा जाता है, आर्कियाई काकेसाइड प्रजातियाँ, तो ए का थर्ड, इन्हें द्रविड़ियन कहा जाता है, ए का थर्ड, और बी का मंगोलाइड जो प्रजाति है मंगोलाइड, तो इसका जो है इंडोनेशियन माले कहा जाता है, इंडो मंगोलाइड को इंडोनेशियन माले, और जो प्राथमिक काकेसाइड प्रजातियां हैं इनको कहा जाता है आर्मेनाइड, और जो निग्रोआइड प्रजाति है इनको बुशमैन हार्टेन टाट प्रजाति कहा जाता है, इनका नाम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी समिति जनजाति मुद्दों से नहीं जुड़ी है, इनमें से कौन सी कमेटी जो है कि जनजाति मुद्दों से नहीं जुड़ी है, तो लोकुर है, भूरिया समिति, एल्बिन समिति या धानुका समिति, तो कौन सा नहीं जुड़ा है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, धानुका समिति जो है कमेटी जो है ये आदिवासी मुद्दों से नहीं जुड़ी है, बाकी लोकर कमेटी ये भी जुड़ी है, भूरिया कमेटी, एल्बिन कमेटी ये सब आदिवासी मुद्दों से जुड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वुमन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन हैं, वुमन इन मॉडर्न इंडिया, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नीरा देसाई की पुस्तक है वुमन इन मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, नरेटिंग दलित वीमेंस टेस्टिमोनीज की लेखिका हैं, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, नरेटिंग दलित वीमेंस टेस्टिमोनीज की लेखिका कौन है, इन्होंने दलित महिला का अध्ययन किया है और इनकी पुस्तक का ये नाम है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, शर्मिला रेगे, ये इन्होंने दलित महिलाओं का अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 51,
कथन और कारण दिया है। लिंग के बीच अंतर शिक्षा और पर्यावरण का परिणाम है, प्रकृति का नहीं। और कारण है कि स्त्रियों का सामाजिकरण इस प्रकार से होता है कि वह माँ और पत्नी पहले बने। तो ये भी सही है कि लिंग के बीच अंतर शिक्षा और पर्यावरण का परिणाम है, प्रकृति का नहीं। जो लिंग में भेद किया जाता है वो समाज द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे हम विभेदीकरण कहते हैं। तो यह प्रकृति द्वारा नहीं दिया जाता है बल्कि समाज के द्वारा अंतर किया जाता है। तो वह शिक्षा और पर्यावरण का परिणाम है, मतलब ये सही है। और कारण दिया है कि स्त्रियों का सामाजिकरण इस प्रकार से होता है कि वह माँ और पत्नी पहले बने। तो ऐसा ही कुछ सोशलाइजेशन होता है, तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और आपस में दोनों व्याख्या भी कर रही हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52। फीमेल यूनक की लेखिका हैं, ये पुस्तक है एक फीमेल यूनक, तो इसकी राइटर कौन है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, जर्माइन ग्रियर। इसकी लेखिका हैं जर्माइन ग्रियर, फीमेल यूनक की लेखिका हैं। क्वेश्चन नंबर 53। सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन हैं? सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन ओकले। क्वेश्चन नंबर 54। बीना अग्रवाल एक विकास अर्थशास्त्री हैं जो जानी जाती हैं। तो बीना अग्रवाल किस लिए जानी जाती हैं? ये इकोनॉमिस्ट हैं, और इनको किस लिए जाना जाता है? महिला स्वास्थ्य कार्य के लिए, महिला संपत्ति अधिकार के लिए, महिला भक्ति आंदोलन कार्य के लिए, या महिला शिक्षा कार्य के लिए? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, महिला संपत्ति अधिकार और कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 55। बारगेनिंग एंड जेंडर रिलेशन विद इन एंड बियॉन्ड द हाउस होल्ड की लेखिका कौन है? बारगेनिंग एंड जेंडर रिलेशन विद इन एंड बियॉन्ड द हाउस होल्ड की लेखिका कौन है इस पुस्तक की राइटर? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौन है? बीना अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो यदि हमारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हो तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करिए।